हाय गाइस, मायसेल्फ मिंटो। और लॉकडाउन में कैसा चल रहा है सबका? लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है हस्बैंड, घर वाला, जिसको पति परमेश्वर भी बोलते हैं, क्योंकि पति रह गया, परमेश्वर अलग हो गया। और वो बेचारा पति सारा दिन घर में चाय पत्ती में बिखरा हुआ रहता है। हस्बैंड एक ऐसा प्राणी बन गया जिसका सबसे ज्यादा बैंड बजा हुआ है, फिर भी वो हंस रहा है। कारण कुछ भी नहीं, मजबूरी, क्योंकि उसको पता है कुत्ते खानी होनी है, ज्यादा करवाने की बजाय कम करवा के रहूं तो अच्छा है। अच्छा, ये जो पत्नी, घर वाली, वाइफ, इस दौर में लॉकडाउन के दौरान इतनी ज्यादा चेंट हो गई है, जिनको इंटरनेट का नहीं पता था वो ट्विटर पे ट्वीट कर रही है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को। और कुछ तो हैकर्स बन गई हैं घर में रह रहे के, उन्होंने अपने हस्बैंड के पासवर्ड हैक कर लिए हैं फेसबुक से, मैसेंजर पे जाके स्क्रीनशॉट लेके उसको रख रही है संभाल के, कि कल को जब लड़ाई होगी ना तो पूछूंगी ये कौन है एंजल प्रिया जिसके साथ चैटिंग में लगे रहते थे। अच्छा, इस लॉकडाउन के दौरान ब्यूटी पार्लर बंद पड़े हुए हैं, मुनियारी की दुकानें खुली नहीं है, मेकअप का सामान मिल नहीं रहा, औरतें बिना मेकअप के रह रही हैं। कुछ दिन और अगर इसी तरह चलता रहा तो औरतों के मूछें निकलनी शुरू हो जाएंगी, घर में कन्फ्यूजन हो जाएगा, बच्चों को पता नहीं चलेगा कौन मम्मी है कौन डैडी है। पर एक बात का फायदा हो गया, आदमी को इस बात का पता चल गया कि विदाउट मेकअप आदमी और औरत में ज्यादा फर्क नहीं है। लॉकडाउन के दौरान ये जो वाइफ है हस्बैंड को पूरा मिसयूज कर रही है, हर घर में ये चल रहा है, ऑप्शन दे रही है, देखो यहाँ तो रसोई में चपाती बना लो, अगर ये नहीं कर सकते तो फिर बाकी सारे काम करने पड़ेंगे। बंदा सोचता है यार चपाती तो मुझे बनानी आती नहीं, तो रसोई में जली हुई रोटी खाने से अच्छा है मैं बाकी सारे काम कर लूं। वो बाकी सारे काम कर रहा है, वो झाड़ू पोछा लगा रहा है, वो सफाई कर रहा है, वो बर्तन मांझ रहा है, वो कपड़े धो रहा है, और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, वो फिर भी उसके काम को कुछ नहीं समझती। क्या करते हो तुम सारा दिन? नथिंग। और खुद का सिर्फ रसोई का काम उसको भी ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे रसोई नहीं कोई नासा की लैब है और अगला चंद्रयान यही प्रिपेयर कर रही है। आदमी को इस बात की टेंशन नहीं है कि वो इतना सारा काम कर रहा है, उसको टेंशन इस बात की उसको क्रेडिट नहीं मिलता, ऊपर से उसको सोने से पहले बात सुननी पड़ती है वाइफ की। वो बोलती है अब पता चला ना शादी के बाद औरत की जिंदगी कैसी होती है। और बंदा सोचता हाँ चल गया पता, जैसा लोग सोचते हैं जो बोलते हैं ना वैसी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। जो वाइफ है घर वाली हर घर में परेशान करके रखा हुआ हस्बैंड को, वो बेचारा इतना काम करने के बाद भी अगर 5 मिनट फ्री दिख जाए उसको कोई ना कोई काम दे देती है। 1 मिनट सुनना लक्की के पापा इधर देखना बेड के नीचे चूहिया की आवाज आ रही है, तो लक्की का पापा टेढ़ा होकर बेड के नीचे देख रहा था, चूहिया तो नजर नहीं आती, ऐसे देख देख के लक्की के पापा का खुद का मुंह चूहिया जैसा हो जाता है। वो बेचारा चूहिया देखने के बाद 2 मिनट फ्री बैठा हो ना फिर कोई ना कोई काम लेके आ जाएगी। अच्छा ये देखना सुई में धागा डाल दो, सुई में धागा डाल रहा है हस्बैंड, धागा डाल के देता है, ये लो अब क्या करना है? कहती कुछ नहीं मैंने तो देखना था तुम्हारी नजर ठीक है ना, क्योंकि मैंने और भी बहुत से काम करवाने हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा एक दोस्त है सुनील, वो ज्यादा परेशान अपनी बीवी से, उसकी वाइफ सारा काम करवाने के बाद भी सिर में तेल लगवा के चोटियां भी करवा दिया। भाई जो भी है मैं तो कहना चाहता हूँ डरो मत, स्टैंड लो, बंदे को स्टैंड लेना चाहिए यार, मैं स्टैंड लेता हूँ। क्या हुआ क्या वाइफ बोलती कुछ भी करी हो, ऐसा कुछ थोड़ी है। एक क्या है, मेरी वाइफ है बुला रही है मैं बात कर लू, क्या है डार्लिंग, हाँ क्या है, बर्तन, अरे मैं नहीं मानूंगा बर्तन, देखना मैं कैसे स्टैंड लेता हूँ, बर्तन मांजने को बोल रही मुझे, देखना सीखो मुझसे, अरे मैं नहीं, अरे नहीं मानूंगा बर्तन मैं, अरे बोल दिया तुझे, अरे पिछले 28 दिन में एक भी दिन मैंने मना किया मैं मांज रहा हूँ ना, आज नहीं मानूंगा मैं, स्टैंड लेके रखो। लेकिन डियर ये सैंडल को उतार, सैंडल पहन लो, सैंडल नीचे रखो, सैंडल पहन लो, पैरों में पहन, मैं मुंह से बात कर रहा हूँ तुम्हें मुंह से बात, सैंडल उठाने वाली क्या बात है, मैं बाकी सारे काम कर दूंगा, मैं तुम सैंडल पहनो ना पहले, मैं बर्तन मांज दूंगा पर मैं सारे नहीं मांजूंगा, चल ठीक तू सैंडल पहन, चल मैं पूरे मांज दूंगा, सैंडल पहन सैंडल, हाँ ऐसे मुंह से बात किया, चलो चल जाओ जाओ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ऐसे स्टैंड लेके रखो यार, डरने वाली क्या बात है इसमें, स्टैंड लेके रखो, कोई स्टैंड रखा ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई एक बात बोलो, ज्यादा भी स्टैंड मत लेना, क्योंकि इनकी जो हील होती है ना उसकी चोंच बड़ी तीखी होती है, बड़े बड़े स्टैंड टूट जाते हैं उससे, और ज्यादा स्टैंड लेने से ये ना हो कि रसोई में जाने पर लॉकडाउन लग जाए, फिर बंदा नहाएगा क्या और खाएगा क्या।